गुड मॉर्निंग बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो हम प्लांट की पूरी स्ट्रक्चर को स्टडी करें बच्चों, अपने स्टेप वाइज चल रहे हैं। क्या होता है कि जब भी किसी टॉपिक को समझना होता है तो हम पहले इसके इसके खाके को, इसके मतलब इसकी मेन जो बातें हैं उनको समझना जरूरी है। फिर उसके अंदर हम वो चीजें समझ में आने के बाद उसके जो डेप्थ की बातें हैं वो हम और अच्छे से समझ पाते हैं। तो अपन लेयर्स में काम कर रहे हैं और स्टेप बाई चलते जा रहे हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं परमानेंट इश्यूज के बारे में। तो हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यूज कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम कर रहे थे जाइलम इश्यूज के बारे में डिस्कशन चल रहा था हमारा, ठीक है बेटा। तो बच्चों में जाइलम इश्यूज जो है, जो जाइलम है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यूज है और ये 4 टाइप के कॉम्पोनेंट के मिलने से बनते हैं, ट्रैकेट, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेंकाइम। इसमें बच्चों जो इनिशियल 3 है, ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर, दीज आर द डेड एलिमेंट्स। ओके, डेड एलिमेंट्स होते हैं ये, डेड कॉम्पोनेंट्स होते हैं और इनकी जो वॉल होती है वो थिकंड होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन। इसकी वजह से होती है, लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से, ठीक है, थिकनेस होती है इनके अंदर। अच्छा, ये एक चीज और, एक चीज और बेटा, कि जो ट्रैकेट्स और वेसल्स है ये वाटर कंडक्टिंग चैनल है, ठीक है ना। तो ये वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट है जाइलम में, और जो जाइलम फाइबर्स है वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। क्लियर होगी बात आपके? तो एक तो ये चीज है। तो जो हैबरलैंड थे, जो हैबरलैंड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जाइलम कंडक्टिंग जो चैनल है, जो जाइलम सॉरी वाटर कंडक्टिंग मिनरल कंडक्टिंग जो एलिमेंट है उसको क्या कहा? हेड्रोम कहा। क्या कहा? हेड्रोम कहा, हैबरलैंड। दोबारा सुन लीजिए कि जो वाटर मिनरल कंडक्टिंग जो एलिमेंट है, जो चैनल है जाइलम के अंदर, उसको हेड्रोम कहा, किसने? हैबरलैंड ने कहा। ओके बेटा, कल एक बिटिया है सानिया नाम से ना, तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि जो प्राइमरी जाइलम और जो सेकेंडरी जाइलम है तो उनमें से जो जाइलम फाइबर है वो किसमें नहीं पाया जाता। अभी बात में तो मैं बच्चों आप सभी को ये कह रहा हूँ कि अपन लेयर्स में काम करेंगे ना, तो पहले टॉपिक को अच्छे समझेंगे, फिर उसकी डेप्थ की बातों को और अच्छे से क्लियर करेंगे। एक चीज और, मैं आपको नोट्स के द्वारा भी, शॉर्ट नोट के रूप में, जितने भी डिफरेंसेज है ना, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, इन सबको मैं आपको डिफरेंसेज के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो एक अलग टॉपिक ले लेंगे। तो इससे क्या है कि टॉपिक ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों जब हम स्टेम और रूट की डिफरेंट लेयर्स और पार्ट्स हम स्टडी करेंगे तब हमको और समझ में आएगा कि कॉर्टेक्स किसका बना होता है, पिच किसका बना होता है, मेडुलरी वे किसकी बनी होती है, कैसी स्ट्रक्चर होती है। तो ये सब हम उस समय और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे जब हम स्टेम और रूट की स्ट्रक्चर को कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो फिर भी मैं आंसर दे देता हूँ कि जो प्राइमरी जाइलम है और जो सेकेंडरी जाइलम है दोनों में ही चारों कॉम्पोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन किन्हीं किन्हीं प्लांट के अंदर जो प्राइमरी जाइलम है उनके अंदर जाइलम फाइबर नहीं पाए जाते, ठीक है ना, वो सेकेंडरी जाइलम में पाए जाते हैं। अधिकतर प्लांट में पाए जाते हैं जाइलम फाइबर प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम दोनों के अंदर ही, लेकिन कुछ एक के अंदर जो है प्राइमरी जाइलम के अंदर जाइलम फाइबर नहीं पाए जाते और जाइलम फाइबर की मात्रा सेकेंडरी जाइलम में ज्यादा पाई जाती है। अगली बात समझ में, एक क्वेश्चन और किया था इन्होंने कि जो थिकनिंग बताई थी मैंने, एनुलर बताई थी। अच्छा, प्राइमरी जाइलम में भी दो पार्ट हैं बेटा, एक तो प्रोटोजाइलम और एक है मेटाजाइलम। तो जो प्रोटोजाइलम बनते हैं वो पहले बनते हैं और मेटाजाइलम बाद में बनते हैं, आगे बात समझ में। और जो स्टेम होते हैं प्लांट के उनके अंदर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होते हैं, ओके, अंदर की तरफ होते हैं, सेंट्रल होते हैं, ठीक है ना। और जो मेटाजाइलम है वो पेरिफेरल होते हैं, ठीक है ना। एक तो ये चीज है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जो रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है और प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है। स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है और मेटाजाइलम पेरिफेरल है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एंडार्च। क्या कहते हैं? एंडार्च। ओके, अगर प्रोटोजाइलम सेंट्रल है और मेटाजाइलम पेरिफेरल है, दिस इज द एंडार्च स्टेट। ओके, और अगर रूट के अंदर क्या होता है, मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एग्जार्च को हम क्या कहते हैं?
मेटाजेरम अंदर की ओर, प्रोटोजेरम बाहर की ओर, एग्जास्ट स्टेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं थिकनिंग के, एक क्वेश्चन और इनका ये आया था। तो जो प्रोटोजाइलम होते हैं, प्रोटोजाइलम के अंदर एन्यूलर थिकनिंग पाई जाती है या स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है लिग्निन ट्रैकेट्स के अंदर, वेसल्स के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम मेटाजाइलम के अंदर और सेकेंडरी जाइलम के अंदर। जो मेटाजाइलम और जो सेकेंडरी जाइलम है, इनके अंदर स्क्लेरिफॉर्म, रेटिक्यूलेट एंड पिटेड जो है लिग्निफिकेशन पाया जाता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। अब बात करते हैं कंबाइंड फंक्शन की, बात करते हैं। पेरेंटाइमा, जाइलम पेरेंटाइमा लीविंग होता है, उसका मैंने फंक्शन बता दिया था, सपोर्ट प्लस स्टोरेज ऑफ द फूड। अब रहते हैं मेन फंक्शन पर। बच्चों जो जाइलम टिश्यूज हैं, ये वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाते हैं प्लांट के अंदर, और प्लांट के अंदर ये ट्रांसमिट करते हैं वाटर को एंड मिनरल्स को, वाटर एंड मिनरल्स को ये ट्रांसमिट। आगे जा समझ में। अच्छा बच्चों, जो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं और जो टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें वेसल्स नहीं पाए जाते। आगे बात समझ में, इनमें क्या होती है, वेसल्स जो होती है वो एब्सेंट होती है। क्लियर होगी बात आपके? तो ये डिफरेंस है, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर वेसल्स होती हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो क्लियर हो गया आपके जाइलम का फंक्शन भी। आज सेकंड हम लेते हैं फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम में भी बेटा प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, ठीक है ना। अब पहले बात करते हैं हम फ्लोएम के कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स। अच्छा बच्चों, इससे पहले एक चीज और मैं बताऊंगा आपको कि एंडार्ट स्टेट पता चल गई, एग्जार्ट पता चल गई। अब बात करते हैं मिजार्ट, मिजार्ट क्या होती है। ये जाइलम से रिलेटेड पॉइंट है ये, कि अगर मान लो प्रोटोजाइलम सेंट्रल हो और दोनों तरफ मेटाजाइलम हो, दोनों तरफ क्या हो, मेटाजाइलम हो, तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, मिजार्ट कहते हैं, ठीक है ना। अगर बच्चों प्रोटोजाइलम सेंट्रल है तो और मेटाजाइलम बाहर की ओर है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्टेट हो गई। अगर मेटाजाइलम अंदर की ओर है, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल, है ना। और अगर मिजार्ट स्टेट है तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल दोनों पार्ट आ गए, ठीक है बेटा। तो ये है, मैं लिख देता हूं, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब प्रोटोजाइलम अंदर की ओर, और इसे हम एंडार्ट भी कहते हैं। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है मेटाजाइलम अंदर की ओर और प्रोटोजाइलम पेरिफेरल साइड में, ठीक है ना। और एक होता है मिजार्ट स्टेट, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल दोनों स्टेट पाई जाती है, यानी कि जो मेटाजाइलम है दोनों की ओर होते हैं, बीच में प्रोटोजाइलम। चलिए बच्चों, तो कंपोनेंट्स, हम कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोएम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें भी फोर एलिमेंट्स हैं बेटा, फोर कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है बेटा। और सेकंड जो है वो है कंपेनियन सेल, ठीक है। थर्ड वन इज द थर्ड वन है फ्लोएम पेरेंकाइमा, फ्लोएम पेरेंकाइमा। और जो नेक्स्ट है, फोर्थ जो है वो है फ्लोएम फाइबर, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, जो कंपेनियन सेल्स हैं, और फ्लोएम पेरेंकाइमा, ये तीनों ही एलिमेंट लिविंग एलिमेंट हैं। ये तीनों एलिमेंट क्या है, लिविंग एलिमेंट हैं, जबकि जो फ्लोएम फाइबर्स है ये डेड एलिमेंट है। आगे बात समझ में। और जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, ये सीव ट्यूब सेल्स के मिलने से बनते हैं। ये किससे बनते हैं, सीव ट्यूब सेल्स के मिलने से बनते हैं, और ये कई सारी सेल्स फ्यूज होके एक सीव ट्यूब एलिमेंट बना लेते हैं, एक पूरी ट्यूब के रूप में सीव ट्यूब बना लेते हैं। तो
ओके, और ये डी न्यूक्लिएटेड होती है, जो सीव ट्यूब सेल्स होती है ये डी न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन ये चैनल बना लेती है फूड का कंडक्ट करने का चैनल, ठीक है ना। अच्छा, इनके फंक्शंस को कंट्रोल करती है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल न्यूक्लिएटेड होती है, तो इनके फंक्शन को रेगुलेट कौन करती है, सीव ट्यूब सेल्स के या सीव ट्यूब एलिमेंट्स के फंक्शंस को कंपेनियन सेल रेगुलेट करती है, इसके साथ में एडियर होती है, ठीक है ना। अच्छा, जो जिम्नोस्पर्म और जो टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं उनमें कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखना, कंपेनियन सेल्स जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में नहीं पाई जाती, केवल सॉरी जिम्नोस्पर्म में और टेरिडोफाइट में नहीं पाई जाती, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट में कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती, ये केवल पाई जाती है एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में और टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर कंपेनियन सेल्स के बजाय वहां पाई जाती है एल्ब्यूमिनस सेल्स, क्या पाई जाती है, एल्ब्यूमिनस सेल्स, क्या पाई जाती है, एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती है, ओके बेटा। तो इस तरीके से क्लियर है, तो मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूं, आप भी मेरे साथ में ज्वाइन कीजिए, फिर बाकी की चीजें अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। ये बच्चों मैं फ्लोएम जो टिश्यू है उनका स्केच बना रहा हूँ, और किस तरीके से उनमें कंपेनियन सेल्स वगैरह अरेंज होती है वो भी मैं स्केच के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कलर्ड मार्कर बच्चों में इसलिए यूज नहीं कर रहा है क्योंकि अभी लाइव क्लास में फिर हो सकता है आपको वो थोड़ा हल्का दिखे, तो इसलिए मैं ब्लैक मार्कर से ज्यादा यूज ले रहा हूँ, जिससे क्या क्लैरिटी बनी रहे, है ना।
ठीक है बेटा इस तरीके से, और यहां आ जाएंगे फ्लोएम पेरेंटा। ये देखिए बेटा क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको। अब मैं बताता हूं, ये जो है ना ये तो बन गई ट्यूब प्लेट। क्या बन गई? ट्यूब प्लेट बन गई, ठीक है। और ये हो गए सीव ट्यूब एलिमेंट। क्या हो गए? ये सीव ट्यूब एलिमेंट, ओके। और ये हो गया फ्लोएम पेरेंकाइमा, ठीक है। ये हो गई कंपेनियन सेल। ये क्या हो गई? कंपेनियन सेल, ठीक है बेटा। तो ये एलएस है, ये क्या है? एलएस है फ्लोएम टिश्यू का। ठीक है, तो ये है। तो बेटा सीव ट्यूब सेल्स के मिलने से सीव ट्यूब बनता है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के मिलने से। और जहां इनके एंड होते हैं ना, तो वहां परफोरेशन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परफोरेशन पाए जाते हैं एक फ्लोएम से अगले फ्लोएम के बीच में यहाँ। तो ये क्या बनाते हैं? सीव प्लेट बनाते हैं और इनमें छेद रह जाते हैं। अभी तक समझ में, हालांकि ये जो कोर है ये सराउंडेड होते हैं कैलोज नाम के पॉलीसेक्राइड से, कैलोज नाम का पॉलीसेक्राइड जो है ना उस तरीके, ठीक है ना। तो इससे सराउंडेड रहते हैं। तो जब फूड का ट्रांसमिशन होता है तो अगर वो जो फ्लोएम शेप है अगर वो डाइल्यूटेड है, तो डाइल्यूट होने पर क्या है, जो कैलोज है वो डिसॉल्व हो जाता है और जो पासेज है वो क्लियर हो जाता है। तो जो फ्लोएम शेप है जो फूड है वो ट्रांसमिट होता रहता है। और जब फ्लोएम शेप डाइल्यूट नहीं होता है, गाढ़ा होता है, तब क्या है कि वो ब्लॉक हो जाता है, आगे पार नहीं हो पाता। और कई बार जो कैलोज है वो इन फोर्स को ब्लॉक भी कर देते हैं। तो डाइल्यूट होने की कंडीशन में क्या होता है, कैलोज घुल के वो जो छेद है वो खुल जाते हैं और फ्लोएम शेप आगे बढ़ता रहता है, ओके। कंपेनियन सेल सीव ट्यूब एलिमेंट्स की फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। और इसी के साथ साथ फ्लोएम पेरेंकाइमा ये लिविंग होते हैं, और जो फ्लोएम पेरेंकाइमा है ये फूड का स्टोरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और फ्लोएम फाइबर्स भी क्या करते हैं? सपोर्टिव रहते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं फ्लोएम के फंक्शंस की। बेटा जो फ्लोएम टिश्यूज हैं, दे ट्रांसपोर्ट द फूड, दे ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम लीव टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ओके। तो ये इनका फंक्शन है। तो आप देख लीजिए स्केच को, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है बेटा। चलिए एक बेटा जब लास्ट में मैं क्लास ओवर करूं तो उस समय आज क्लास मत छोड़ना, थोड़ा सा आपको कुछ बताना है, ठीक है ना। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं। तो बेटा ये फ्लोएम कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं लैक्टोम की। एक वर्ड है हैबरलैंड साइंटिस्ट ने, जो हैबरलैंड हैं उन्होंने क्या किया, लैक्टोम। लैक्टोम किसे कहा? कि जो फूड कंडक्टिंग चैनल है फ्लोएम टिश्यू के अंदर, फ्लोएम टिश्यू के अंदर जो फूड कंडक्टिंग चैनल है, जो फूड कंडक्टिंग लिंक है या पार्ट है, उसे क्या कहा? लैक्टोम कहा। क्या कहा? लैक्टोम कहा, ओके बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पर आपके परमानेंट टिश्यूज कंप्लीट हो गए और ये टॉपिक क्लियर होता है। अब नेक्स्ट लेवल पर हम जा रहे हैं, जो है टिश्यू सिस्टम। कि प्लांट के अंदर कितने प्रकार के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं, ओके। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा टिश्यू
सिस्टम। ओके बेटा, जो एक सेट करके साइंटिस्ट हुए है ना, उन्होंने प्लांट टिश्यू सिस्टम को 3 टाइप्स में डिवाइड किया। ठीक है बेटा, इन 3 टाइप्स के नेम है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड हम लेते हैं ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है बेटा, और थर्ड लेते हैं हम वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। क्या लेते हैं? वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो इन प्लांट द टिश्यू सिस्टम आर ऑफ द टिश्यू सिस्टम आर ऑफ 3 टाइप, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। ओके बेटा, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बच्चों, जो एपिडर्म प्लांट के अंदर जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ये प्लांट के एक्सटर्नल पार्ट, आउटर पार्ट को फॉर्म करते हैं, यानी कि एपिडर्मिस को फॉर्म करते हैं। तो जो एपिडर्मिस होता है वो क्या बनाता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर कौन कौन से भाग आ जाते हैं? एपिडर्मिस आ जाते हैं, एपिडर्मिस के अलावा स्टोमेटा आ जाते हैं, कि लीव्स की सरफेस पर जो स्टोमेटा है तो वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा स्टेम के ऊपर जो हेयर प्रोड्यूस होते हैं, जो हेयर ओरिजिन होते हैं, उन्हें हम स्टेम हेयर या शूट हेयर कहते हैं। ठीक है ना, और इन्हें हम ट्राइकोम भी कहते हैं। देखो मैं लिख देता हूँ, एक तो एपिडर्मिस आती है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, ठीक है, इसके बाद में स्टोमेटा आते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा स्टेम हेयर और ट्राइकोम, स्टेम हेयर और ट्राइकोम। स्टेम हेयर और ट्राइकोम, ओके बेटा, इसके बाद में एपिडर्मिस, स्टोमेटा, स्टेम हेयर और ट्राइकोम। देन फिर लेते हैं रूट हेयर। ठीक है बेटा, तो जनरली जो एपिडर्मिस होती है ये सिंगल लेयर्ड होती है। जनरली एपिडर्मिस क्या होती है बच्चों? सिंगल लेयर्ड होती है, इनके ऊपर क्यूटिकल का डिपोजिशन पाया जाता है। स्पेशली जो जीरोफाइटिक प्लांट है उनकी लीव्स पर, उनके स्टेम पर क्यूटिकल का जमाव या डिपोजिशन देखने को मिलता है। फिर हम लेते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा छोटे छोटे छेद होते हैं जो लीव्स की सर्फेसेस पर पाए जाते हैं, जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है और वाटर का लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। स्टेम हेयर, स्टेम हेयर को हम ट्राइकोम भी कहते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये क्या होता है? मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, और फिर बात करते हैं रूट हेयर की। अच्छा, जो स्टेम हेयर है ये ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं। स्टेम या शूट के ऊपर जो हेयर होते हैं वो वाटर के लॉस को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और जो रूट हेयर है वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, प्लांट्स की रूट के जो हेयर है ये दे आर द यूनिसेलुलर। ओके, एंड दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके बेटा, तो ये कंसेप्ट हो गया। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर स्टोमेटा का स्केच, एक तो डाइकॉट प्लांट में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो, और एक ग्रास फैमिली जो मोनोकॉट फैमिली है उनके अंदर स्टोमेटा में क्या डिफरेंस है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ में ड्रॉ कीजिए। ठीक है, हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत इजी है बच्चों, टेक्निकल है ये, आगे तो और टॉपिक समझने में आसानी रहेगी आपके।
चलिए बच्चों 10 मिनट्स रह रहे हैं तो फटाफट एक और एक स्टेप हम डिस्कस कर लेते हैं, एक कल कर लेंगे ना। तो ये बेटा स्टोमेटल एपरेटस है, ओके। और पहले भी आपने पढ़ा होगा तो इजी है, कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जनरली क्या होता है कि जो स्टोमेटा है वो कवर्ड होते हैं गार्ड सेल्स के द्वारा, है ना। तो इन गार्ड सेल्स में टर्बिडिटी और प्लास्टिक कंडीशन काफी रहती है। और ये क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, साइट है फोटोसिंथेसिस का। ये जो पोर हैं इनके जब एकदम टर्जिट होने पर क्या है, ये ओपन हो जाते हैं ना। तो ये स्टोमेटा है, ये जो छेद हैं इनको जो सराउंड कर रही है ये सेल्स, इन्हें सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। और इनके बाहर जो सेल्स हैं वो क्या है, एपिडर्मल सेल्स। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आया, आज इतना ही करेंगे। ठीक है, क्लास आप मत छोड़िए, आपसे बात।